कुछ भी नहीं हूँ। घर का हाल तो देखो, दो दो जवान लड़कियां घर में हैं और माँ काम कर रही है। वो पाकीज़ा उठी है या नहीं? नहीं। जाओ उठाओ उसे, तो सूरज सर पे निकल आया है, वो अभी तक पड़ी सो रही है। चलो उठाओ ये ले जाओ। जी। करम मैम। अरे ये तो ले लो। बस मेरे दो ही हाथ हैं। करम। अम्मा। मेरे बच्चों। अच्छा बैठ जाए। बैठ गया बैठ गया। अब्बा मुझे चीजें रात में मंगाई थी, वो आ जाएंगी ना आज? हाँ आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी? माँ को ना बता। ठीक है मम्मा। बाकी सब नहीं जाएगी थी। जाओ उसे जगाओ और देखो भाई तैयार हुआ है या नहीं। जी। पंखा बंद कर देना। जी। कमबख्त बिजली वाले बिजली तो देते नहीं, बिल ऐसे भेजते हैं जैसे कोई सवाब का काम कर रहे हैं। शहजाद बिजली देते हैं। उठ गया उठ गया। लो दरवाजा भी खुला हुआ है। पाकीज़ा उठो ना। क्या हो गया? क्या हो गया? सुबह हो गई और क्या हुआ है? नाश्ता लग गया? क्यों हर वक्त तुम पड़ी रहती हो बेटियों के पीछे? चार छह दिन तो होते हैं उनके माँ बाप के घर में, अल्लाह जाने उनके नसीबों में क्या लिखा है। जो कुछ करती हूँ या कहती हूँ ना उनके भले के लिए। यहाँ अगर बिगड़ गई तो अपने घर में क्या करेंगी जाके? ये बेटियाँ हैं बेटियाँ सरवर साहब, जिनके ना पैदा होने की लोग दुआएं मांगते हैं। अस्तग़फ़ार पढ़ो अस्तग़फ़ार। सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं आपका, उठो। चलो सुबह लड़ रही हूँ। तुम्हारी किताबें जो है ना वो नहीं मिल रही। ओह गॉड, मुझे बहुत जरूरी चाहिए, कल मेरा एग्जाम है। जाके चेंज कर लो जल्दी प्लीज। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जी पता है मुझे, देखिए मैंने बहुत ऐसी रहमतें जो जहमत बन जाती हैं, अल्लाह इनके शर से महफूज रखे। ये जब तक अपने घर की नहीं होंगी ना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा चंदा, आओ बैठो। मिल जाएगा सुकून तुम्हें, चंद दिनों की बात है। बाकी से अपने घर चली जाएगी, उसके बाद रमशा भी रुखसत हो जाएगी। ये जो कुछ दिन है इनमें तो उनसे जरा मोहब्बत से बात करो, उनका दिल बढ़ेगा। हाँ जी कर लेंगे मोहब्बत भी। ये लो बेटा ये है तुम्हारा, वो प्लेट मुझे दो। कितनी देर हो रही है नजमा, तुमने अभी तक सामान नहीं रखवाया? ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, देर हो रही है। भाई भाई अगर आपका सिंगार हो गया हो तो हम चले। बस दो मिनट, कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट तो आप हैं, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पप्पू को आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया यही बड़ी बात है, वो आपको घर में घुसने नहीं देंगी। और अगर आप गलती से घुस भी गए तो पाकी साहब को नजर नहीं आने वाली। आविया क्या हो गया? आविया दो ही दिन तो बचे। अच्छा ठीक है, अम्मी बुला रही है, प्लीज बाहर आ जाए। आ गई अम्मी। आविया। जी अम्मी, शाबाश है तुम पे, मैंने कहा था कि भाई को बुला के लाओ, तुम भी जाके बैठ गई वहाँ पे। भाई बस आ। ये मैं आ गया। माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। वैसे इस तैयारी का कोई फायदा नहीं क्योंकि भाभी तो तुम्हें घर में एंटर ही नहीं होने देंगी। चलो जल्दी से ये सामान उठाओ। नजमा नहीं कहाँ रह जाती है? मैं क्यों बताऊंगी, मैं तो पहले ही कहा था ये आपको नहीं जाने देंगे। शहजाद जी आया। अब ये लिस्ट मैंने लिख दी है, ये सारी चीजें ले आइएगा। सब कुछ लिख दिया? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? आओ बैठो। हाँ, आओ। कैसे बेटा, नाम कैसे है? मैं जरा बाजार तक हूँ। ठीक है भाईजान। चलते हो? अच्छा समझ गया, मैं खुद आ रहा। भाई बैठे ना। हाँ अगर नहीं जा रहे तो आ जाओ। और भाभी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पाकीज़ा? हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं।
अच्छा हाँ, वो मैं बताने आई थी कि पप्पू आई है तो आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ देखो भाई, मैं तो ये समझती हूँ कि सीधे साधे तरीके से शादी हो जाए, लड़की खैर से अपने घर जाए रुखसत होके, बस और क्या करना है भाई। पता नहीं ये हिंदुआना रस्में तुम लोगों ने कहाँ से सीख ली। मेहंदी की बात है ना, लगा देंगे इसे हम, मगर इस तरह की चीज़ें रखोगी ना तो मैं तो नहीं आऊँगी। भाभी भाभी देखे ना क्या है, मेहंदी घर में लगा लेंगे, बच्चे नाच गाना कर लेंगे। ये देखे ना, छोटी छोटी तो खुशियाँ होती हैं जिसके बहाने हम ढूंढते हैं, और पाकिजा रुखसत होके जाएगी तो जहेज में ये सारी यादें लेके जाएगी ना। प्लीज अम्मी मान जाए ना। चलो ठीक है, वो ढोलक पे गाने वाने गा लो, मेहंदी शेंदी लगा लो, और क्या। ठीक है, फिर भी मेरी एक शर्त है। हाँ बोले। ये लड़के और लड़कियाँ जो है ना, इनको अलहदा अलहदा। लो तो फायदा क्या हुआ फिर? क्या मतलब है अम्मी? सही कह रही है भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये लड़के कैमरा लेके जो लड़कियों में घुस जाते हैं ना। आप मुझे इतना बता दे, कौन से पराए आएंगे? सारे अपने ही तो आए हैं बाप। मुझे ना बताओ। अच्छा ये अपना पराया सब मुझे पता है, अपने जो होते हैं ना यही डसते हैं, बाद में इतनी इतनी बातें बन रही होती हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहेंगी ना हम वैसे ही करेंगे, बस डन है ना? क्यों पाकिजा, ठीक है ना बच्चा? बस ठीक है, फिर मामी मान गई है ना? हाँ मान गई, मान गई ना, वही अलहदा वो देख। अच्छा देखिए जब, लेकिन अभी हम हंगामा कर सकते हैं सब। मैं क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हूँ। अच्छा लग रहा है। वो एक सवाल पूछूं? पूछो। वो मैं सोच रही थी कि मैं शादी में अपनी दो दोस्तों को बुला लूं। कोई जरूरत नहीं, जब देखो इसको बुला लूं उसको बुला लूं। तुम्हारे बाबा ने कोई नोटों की फैक्ट्री लगाई हुई है? सारी जिंदगी एक रुपया नहीं जोड़ सके, सारा वक्त तुम लोगों की फरमाइशों पे पैसा लुटा दिया। ठीक है, जैसा कह रही है वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज आप हर बात में बाबा को बीच में मत लाया करें। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ ना, जब बोलना अपने बाप के लिए ही बोलना। मेरा ही कमाल है कि वो मेरा सर झुका के पाकिजा को यहाँ से ले जा रही है, वरना कि समीर ने यहाँ भटकना था। जी बिल्कुल, अमीर तो बहुत है, लेकिन पाकिजा की खुशी है या नहीं क्या फर्क पड़ता है ना? ये बहुत ज्यादा बोलना आ गया है। जा चाय का पानी चढ़ा के आई, पहले चाय लेके आ। क्या जरूरत थी अम्मी से बात करने की? मुझे क्या पता था ये बात करने में भी पाबंदी लग जाएगी। दो तो दोस्त हैं मेरी, अब उनको भी नहीं बुला सकती क्या चाहती पे? शुक्र करो कि सांसें अपनी मर्जी से ले रही हूँ, और दुआएं दो अब्बा को, अगर वो ना होते तो इन सांसों पे भी पाबंदी लग चुकी होती। ये तो गलत है, मैं अब्बा से बात करती हूँ। ठीक है अम्मा। गए लेनी? अंदर बैठी, अंदर बैठी गुस्से में। ओ मेरा वो स्पेशल गिफ्ट जो मैंने मंगवाया था। लाया लाया लाया, ये इसको पता नहीं चलना चाहिए पार्टी जाके। आराम से आ रहा हूं। बताया मुझे क्या आया है? जी सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम। ले आए सारा सामान? हमारे कपड़े आ गए। वाओ दिखाओ कौन सा किसका, जल्दी जल्दी। ये वाला तो मेरा है। तो आपने कहा था वो भी ले आया हूँ।
क्या कर रही हो? गोटा टाक रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? देखना कहीं सुई ना चुभ जाए। पहले कभी टांका नहीं ना तुमने? प्यारा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट दिखाना। हाँ हाँ, अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं नहीं दूंगी। जीती है। आओ पकड़ो फिर। अच्छा देखो। नहीं नहीं मेरा नहीं 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 नहीं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कभी कोई खुशी नहीं मिलती, और अगर कभी कोई खुशी आ भी जाए तो लगता ही नहीं है। अब देखो, ना कोई मेहमान है, ना कोई ढोलक है, लगता ही नहीं इस घर में शादी हो रही है, सिवाय उन चीज़ों के जो मैंने इस घर में लगाई हैं। अगर ये भी ना लगाती ना, तो लगता ही नहीं कि शादी का घर है। ओ हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ क्या? आपको इन चीज़ों की कमी महसूस नहीं होती? पता नहीं, मैंने सबके बारे में सोचा ही नहीं। जो आप सोच रही हैं ना मैडम, उन सब चीज़ों का वक्त गुजर चुका है। जो हो रहा है उस बारे में सोचो और अपना फ़ोन उठा के फेंक दो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर होती, मान होती, सब कुछ होता। ओह यस। चाहे तो आबाद रखो, चाहे तो बर्बाद करो। अच्छा लग रहा है। तुम्हारे घर पर हूं, ये कैसा मजाक है? उमर, ये किस किस्म का मजाक है? ये मजाक नहीं है। वैसे तुम्हारे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है। खुदा के लिए ये क्यामत मत ढाना। मैं अंदर आ रहा हूं। मेरी खामोशी को सुन, मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना, थोड़ी मुझको भी सुना। तेरे दिल को क्या हुआ, मेरे दिल को क्या पता, मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। इस बेवकूफी की वजह क्या है? तुमसे शदीद मोहब्बत। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तुम्हें खो देने का डर? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कल मेरी मेहंदी और परसों शादी। हर बार ये बात दोहरा के किसे यकीन दिलाना चाहती हो? खुद को या मुझे? खुद को भी और तुम्हें भी।
में साए की तरह तुझे देखूं हर जगह, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। यहाँ क्यों आयो? धूप में साए की तरह तुझे देखूं हर जगह, तेरे बिना तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देख लिया। जिस दुनिया में तू है अब क्या करूँगा? मैं भी वही हूँ। तूने जो छोड़ा मुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। पास भी रहते हुए क्यों दूरी है दरमियाँ, माटी मिल जाए ना कहीं। माटी मिल जाए ना जिंदड़ी निभानी, कर देना प्यार की कहानी। मर ही न जाए कहीं आँखों का पानी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारी चॉइस अच्छी, मुझे अच्छा लगेगा। क्या हो गया आपको? क्यों इतनी मुर्दा दिल हो गई हो? मैंने आपसे जीना सीखा है, आप मुझे जीना सिखा के पता नहीं किस दुनिया में चली गई हो। खुद ही तो कहती हो कि जो हो रहा है इसे अच्छे से जीते हैं, फिर ये सब सिर्फ बातें हैं, झूठ बोलती हूँ मैं। इसका मतलब है आपने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है ना? एक्सेप्ट कर लिया? जिंदगी और हालात से मैंने समझौता कर लिया, तुम्हें ही टेंशन ना लो। आप ऐसी कभी भी नहीं थी, जस्ट बाय द वे। कोई भी ऐसा नहीं होता, सब हालात के आगे चलते हैं। ठीक है, मैं अब्बा को बोलती थी अम्मी को नहीं मनाते, हम यहीं पे घर पे बैठे रहेंगे, सड़ते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? नहीं हूं मैं नाराज, पता चल गया मुझे मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूं। अच्छा ना रमचा, मेरी बात सुनो। नहीं सुन रही। सुन लो ना रमचा, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। झूठ बोल रही हो आप। कोई झूठ नहीं बोल रही, प्रॉमिस। पक्का? हाँ हाँ, जितना घुमाऊंगी उतना घुमोगी? हाँ ठीक है, थैंक यू। चलें। ओ वेट, अब्बा ने अम्मी को मनाया नहीं, ये देखना पड़ेगा। चलो। हाँ चलो 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 चलो। कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताएं कि आप कब तक आएंगे? आ रहा हूं। तुम्हें अपना वादा याद है ना मेरे साथ बाजार जाने का? पहले आप आ जाएं, फिर देखते हैं। देखते वेखते नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, वादे से मुकरने नहीं दूंगा मैं। मैंने कहा ना आप आ जाएं, बाकी बातें बाद में, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। आ रहा हूँ बस। ओके ना। आखिर आपकी चहेती बहन को ये सूझी क्या? ये दो चार दिन में क्या कर लेंगे हम? अरे उसने मना किया था, माइयों ना बिठाएं आप ही रस्मों के खिलाफ थी। हाँ जी, इख्तिलाफ तो मेरी बात से है ना, बाकी तो आपकी चहेती बेटियां हैं, बहन है ना, मेरी बात बुरी लगती है आपको? अरे इन्होंने कहा बातें करते, ये क्यों छुपी है पीछे? अरे निकलो, पता है मुझे कहाँ छुपी हुई है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। उन्हें भी साथ ले जाओ, कुछ लेना है।
नहीं भाई अम्मी, मुझे बहुत काम है, मैं इनको बाजार में लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा। तुमने कौन सी उंगली पकड़ के ले जाना है, तुम अपना काम करना, ये अपना कर लेंगे। अम्मी अब्बा के साथ चली जाएंगी भाई, मुझे बहुत काम है। सुनो तुम्हें कालीन वाले की तरफ भी तो जाना है। हाँ हाँ, डेकोरेशन वाले के पास जाऊंगा, उसके बाद अपने काम से जाऊंगा, फोन नहीं उठा रहा। जी जी, तो जाओ, मैं इनको मैं ले जाऊंगा बाजार। शहर में बड़ा रश हो गया, एक घंटे में पहुंचे। मैं यहाँ करीबी सलीम साहब के वहां से हो आता हूँ, तुम लोग शॉपिंग कर लो, 5 मिनट पहले मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है अब्बा। पैसे हैं ना? जी अब्बा। जाओ बेटा, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। जीते रहो, जाओ शाबाश। धूप में साए की तरह, धूप में साए की तरह तुझे देखूं हर जगह, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। तुझे देखूं हर जगह, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। एक इज्जत ही है मेरे पास, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे यूँ अकेला छोड़कर अपनी नजरों में कितनी इज्जत कमा रहे थे। प्लीज उमेर, मेरे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी मत करो। तुम्हारे बगैर हर सांस लेना मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरी खामोशी को सुन, तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। थोड़ी मुझको भी सुना, मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तेरे दिल को क्या हुआ, मेरे दिल को क्या पता। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे साथ रमशा आई है, अब्बा छोड़ के गए हैं, कोई कोई देख लेगा तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज चले जाओ। जिस दुनिया में तू है मैं भी वहीं हूँ। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं। तूने जो छोड़ा मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे लिए मेहंदी का जोड़ा लड़के वालों की तरफ से होता है ना? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। आप प्यारी लगोगी तुम उसमें। रमशा, आप कहाँ थी? मैं पूरे मॉल में ढूंढ रही हूँ आपको। मैं और ये कब लिया अकेले? ये बस ड्रेस पसंद आया मुझे तो मैंने ले लिया, अच्छा लग रहा है ना? वाओ, तो बहुत अच्छा है, महंगा है? हाँ बहुत। नहीं मैं पकड़ू? हाँ चलो। बहुत अच्छा है, कितने का मिला? एक्सपेंसिव है भाई, ये वाली ज्वेलरी शॉप ना बहुत अच्छी है, बहुत भाई। अरे भाई आप यहाँ? वो पप्पो का फोन आ गया था यार, वो तो तुम लोगों को पता है मेरे पास तो टाइम होता नहीं, अब पप्पो को तो मना नहीं कर सकता था ना मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो बाप आए? जी बिल्कुल, हमें यहीं छोड़ के गए हैं। अब्बा भी साथ हैं। अगर तुम लोगों का प्लान था तो मुझे बोल देते, मैं भी साथ आ जाती। यार आप लोगों का प्लान था तो हमें बता देते। अच्छा अच्छा, वो बहुत देर होगी, जाओ घर। ठीक है ठीक है, मैं अब्बा को बता दूंगी कि आपसे मुलाकात हुई। पाकीज़ा वो
चलो ठीक है, देर होगी, जाओ तुम लोग घर। ठीक है ठीक है, मुलाकात होती है फिर आपसे। अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा? आ जाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप इस वक्त मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अब ये ब्रेक क्यों लगा दिया आपने? तुम्हारे बेवजह सवालों से तंग आके। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई बेवजह सवाल पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या इस बात में कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ? मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है जो तुम्हारे मुंह पे ये फ्रस्ट्रेशन है, ये किस वजह से? एक मिनट। अब ठीक है, चले चल। माशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, ये जोड़ा कब खरीदा? वो आज हम बाजार गए थे ना, तब खरीदा। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे महंगे को छोड़ो, ये बताओ हमारी बेटी पर लग कैसा रहा? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये हुई ना बात। मेहंदी नहीं लगाई और टीका भी नहीं लगाया, वो तुम्हारी फुप्पो आएंगी ना तो बहुत नाराज होंगी। सुनो जरा, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। फिर तुमने ये नहीं किया सब कुछ, जनावर ने भी मदद की। अगर इसकी भिनक पड़ गई ना उसको हुमायरा को, तो बुरा मान जाएगी। कौन सी बात उनको अच्छी लगती है, हर बारी वो बुरा मान जाती है। अच्छा मैं चलता हूँ बाहर, संभालो सब कुछ। जी जी, हम संभाल लेंगे। चलो जाओ, इसको मेहंदी लगा और टीका। जी अभी लगाती हूँ, बस मैंने निकाल के रखा था, पता नहीं कैसे भूल गई। तुम अपने फैशन में लगी हुई हो। तेरी एक गलत मूव और हम फंस जाएंगे, उनका पूरा खानदान इधर। वो साहब जो खड़े हैं ना, मुझे लग रहा है वो भाई भाई हैं। भाई बहुत जूते पड़ने वाले हैं, निकल। मेरी बात मान, निकल। मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना। मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना सुन जरा। ये एक दूजे से चुपके कह रही है क्या भला। ये सपनों की झिलमिल कुछ दिनों से गुनगुनाए बलमला। मेरा संग संग तू भी गुनगुना। ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ,
पैण भुलेखे तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखा जेड़िया रावा मैनू पैण भुलेखे तेरे पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़का दी जा अखिया मटका दी जा लंघदी शर्मा दी तू अंदर नहीं चलोगे? अब किधर जा रहे हो? मैं उसका इंतजार करूंगा। उमेर, अगर उसे आना होगा तो वो खुद कॉल करेगी, फिर चले जाओ। अगर से क्या मतलब है तुम्हारा? वो जरूर आएगी, उसे आना होगा। वो आएगी तो उससे मुलाकात होगी, वरना वरना क्या क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा यार, तुम जो भाभी इंतजार कर रही होंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहा मैं, अपना ख्याल रखना। बाय। आज कितना मजा आया है ना? वाकई आज बहुत मजा आया है। तुमने और शनावर ने बहुत अच्छा डांस किया था। थैंक यू। लेकिन मुझे तो ठंड उस वक्त पड़ी जब आप शनावर को देख के मुस्कुरा रही थी और आपको मुस्कुराता हुआ देखकर शनावर जो है पागल हुए जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम्हारी बातें तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जल्दी से काम समेटो, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, रखो। ओके, अब मैं ये बाकी का सुबह समेटूंगी। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। And thank you for such a wonderful event. Good night. Good night. Meri khamoshi ko sun, thodi mujhko bhi suna. Tere dil ko kya hua, mere dil ko kya pata. मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना, मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना सुन जरा, एक दूजे से छुप के कह रही है क्या भला। ये सपनों की झिलमिल कुछ दिनों से गुनगुनाए बरमला, मेरा संग संग तू भी गुनगुना। श्योर तुम जरूर आओगे, रिप्लाई करो।
पा रही हूँ। पाकिजा, मेरी बेटियां, मेरा गुरूर है, मेरा मान है, इन्होंने मेरा सर कभी नहीं झुकने दिया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिस दुनिया में तू है मैं भी वही हूँ। तूने जो छोड़ा मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब्बा, अब्बा, चलो इधर पानी ले क्या? अरे डॉक्टर क्या लेके चलो जल्दी। कबूल है, कबूल है, तेरे बिना।